नमस्कार दोस्तों, इंडिया पोटैटो हिंदी की एक नया समाचार पे आप सभी को दिल से स्वागत है। दोस्तों आज का दिन है 28 फरवरी 2024। आज मैं इस वक्त आलू का ग्राउंड रिपोर्ट करने आ चुका हूँ पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा जिले की ओंदा पुलिस स्टेशन अंडर की पुरुषोत्तमपुर गांव पे। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अगेती आलू यानी पुखराज आलू का खुदाई चल रही है। दोस्तों वर्तमान पे पश्चिम बंगाल की दक्षिण बंगाल पे कुछ कुछ कोल्ड खुल गया है, जहाँ पे पुखराज और थोड़ी थोड़ी आर्ली जो ज्योति आलू का बुआई हुआ था वो फिलहाल लोड हो रही है। लेकिन धूमधाम से कोल्ड खुलेगा पश्चिम बंगाल में 1 मार्च 2024 से। तो चलिए अभी इस वक्त ये पुरुषोत्तमपुर गांव पे ओंदा पुलिस स्टेशन की पुरुषोत्तमपुर गांव पे हम लोग देख पा रहे हैं बढ़िया क्वालिटी की पुखराज आलू का खुदाई चल रही है। इसका क्या भाव है पूरा ओंदा पुलिस स्टेशन पे, आज आलू का क्या स्थिति है, खेती बाड़ी का क्या हालचाल है, चलिए इसके बारे में एक जानकारी ले लेते हैं ओंदा गाँव की एक ओंदा पुलिस स्टेशन की पुरुषोत्तमपुर गाँव की किसान भाई साहब तथा आलू व्यापारी से, क्योंकि यहाँ पे हर कोई हिंदी नहीं बोल सकता, इसलिए हमारे साथ एक व्यापारी तथा किसान भाई साहब भी है। तो दादा आगे आइए, नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम शांतिनाथ नंदी है। अच्छा दादा, आप तो किसान हैं साथ साथ आलू का व्यापारी भी है। जी हाँ। तो आज आपकी पुरुषोत्तमपुर गांव ओंदा पे ये जो पुखराज आलू का खुदाई चल रही है, इसका क्या रेट है, थोड़ा इधर देख लेते हैं। यह रेट है 525 रुपया पर बैग है, चासी का भाव 525 रुपया प्रति पैकेट, यानी 50 किलो का पैकेट। 50 किलो का पैकेट। अच्छा, मार्केट क्या हाई की तरफ है या और भी डाउन हो गया कल? नहीं, ज्यादा डाउन नहीं होगा, कल परसों जो होगा वही है, वही था जैसा ही है। अच्छा, ये तो आलू का क्वालिटी तो बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया आलू तो अगर इतना बड़ा ज्योति आलू हुआ तो खेत में किसानों को तो बहुत पैसा मिलेगा। नहीं नहीं, ये एक किसान का, एक दो किसान का यही आलू होगा, ये बिस्टी का आगे आलू रोपण करता। अच्छा, या आलू सब चासी का नहीं होता है, दो एक चासी का इतना बड़ा आलू होता है, यानी ये दिसंबर की पहले की बारिश का आलू आलू होता है, दिसंबर की पहले का आलू है। अच्छा, फिलहाल जो पुखराज आलू का प्रोडक्शन कितना हो रही है, पैदावार कितना हो रही है प्रति बीघा पे या फिर? पहला बार प्रति काठा में 5-6-7 पैकेट करो हुआ, और प्रति बीघा में? प्रति बीघा में वही 100 से 120 बुरा होता है। 100 से 120 पैकेट पुखराज आलू का वर्तमान पे प्रोडक्शन हो रही है आपकी ओंदा पे? ओंदा पे। अच्छा, ओंदा पे पिछले साल की अपेक्षा इस साल पुखराज आलू का खेती यानी अगेती आलू आरली आलू का खेती कितना कम हुआ है? 30-40 बुरा कम होता है बीघा प्रति। बीघा में कम होता है ना? हाँ। मतलब कितना परसेंट खेती कम हुआ है ऑल ओवर ओंदा पुलिस स्टेशन पे? वही काठापति दो परसेंट आलू चाष कम हुए थे पोगराज का, कितना कम हुआ होगा? 20% कम हुआ, यानी पिछले साल जो पुखराज आलू का खेती हुआ था। हाँ। आपकी ओंदा पे? हाँ। उससे करीब ये कम हुआ। हाँ, कम हुआ। और अगेती आलू तो उठ रहा है, ये तो हम लोग देख पा रहे हैं पुखराज आलू का खुदाई चल रही है, और ज्योति आलू कोल्ड वाला ज्योति आलू का खुदाई शुरू नहीं हुआ आपके यहाँ पे? ना, एकोन अभी तक हुआ नहीं, अभी तक कहीं पे भी ओंदा में नहीं चल रही, नहीं चल रही है। अच्छा, मेरे पास जितना जानकारी है ओंदा पुलिस स्टेशन के अंडर में खेती बाड़ी तो होती है आलू का, लेकिन कोल्ड सिर्फ एक ही है जिस कोल्ड का नाम है विष्णुपुर हिमगर, ओंदा पुलिस स्टेशन अंडर पे ही वो पड़ता है। तो मेनली उस कोल्ड पे आलू रखने का कैपेसिटी कितना है? 2.5 लाख कैपेसिटी हुआ है। और पिछले साल कितना लोड हुआ था? 2,20,000 बोरा। और इस साल कितना लोड होगा आपको लगता है? आशा कर किया ये 1,50,000। इतना कम क्यों होगा? क्योंकि आपने बताया फलन ज्यादा नहीं हुआ, फलन कम हुआ, अभी चास हो कुछ कम हुआ, चास कम हुआ इसलिए प्रोडक्शन भी थोड़ा कम कम होगा। आपकी ओंदा पुलिस स्टेशन अंडर में जितना भी एक कोल्ड स्टोरेज है, है। विष्णुपुर हिमगर, वहाँ पे पैदावार के साथ साथ लोड भी थोड़ा कम होगा आपको लगता है। हाँ। अच्छा, और ज्योति आलू का पौधों का क्या स्थिति है? चलिए ना एक बार, लेट ब्लाइट आ रहा है यहाँ पे, धोसा लग से धोसा बहुत धोसा है, थोड़ा दिखाइए ना हमें यहाँ पे मार्क। देखिए यहाँ पर कुछ धोसा दिखा दी जाए, माठ पर अंदर पर बहुत धोसा है। अप्रोक्सली कितनी परसेंट लेड ब्लाइट है आपकी ओंदा पे? ओ ओंदा दो एक एक, एक पैकेट दो पैकेट करे कम हुआ काठा प्रति। हाँ, लगता है। अच्छा, और ओंदा की अगल बगल पे जितना भी इलाका है वहाँ पे आज आलू का क्या रेट है करीब? चलिए वहाँ पे चलते हैं। ओ एक ही रेट होगा,
पोगराज पोगराज उठा तो 525 रुपया बोरा होता है। नहीं कोल्ड रोएगा नहीं, कहाँ मेनली बिकेगा, फूड पे, राशन पे कहाँ रेशन रेशन पे बिका गए, कहाँ जाएगा ये आलू मेनली? झारखंड जाएगा, बिहार झारखंड और उड़ीसा थोड़ा थोड़ा जाएगा। आलू खरीदा किसने? आपने विजय दा? विजय उनको माइक। नमस्कार दादा, बोलिए। विजय मानना, विजय मानना पुरुषोत्तमपुर मुकाम के आलू व्यापारी तथा किसान, आपने दादा से खरीदा है आपने? हाँ, आपको। अच्छा, उनको पैदावार कितना हो रही है पुकरा जालू में? करीब पॉलन कतो पैकेट होते पैदावार हो गया बिगा 100 बोरा, यह साल पर हो गया बिगा 60-70 बोरा, 20-30 बोरा कम होगा। ज्योति आलू का कितना लगता है होगा? ज्योति आलू पैदलाबार बिगाई 90-100 बोरा होगा, यह साल 60-65 बोरा बेसि नहीं होगा। ब्लाइट के कारण? ब्लाइट के कारण काल बिस्टी को कारण है। अच्छा, काल यहाँ पे बारिश हुआ था? काल यहाँ पे बारिश हुआ, थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ, थोड़ा बारिश हुआ है। इससे आलू का कुछ तो नुकसान तो नहीं होगा? नुकसान नहीं होगा, बरंग इसको प्रॉफिट ही होगा, भगवान का आशीर्वाद सरों पे माना जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि एक बार दादा को दीजिए, क्योंकि हम लोग इनको दीजिए, इनको बोले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है तो वो जिंदा रह जाता है। जैसे ये आलू में अगर थोड़ा बूंदा बूंदा पानी गिर गया तो वो भगवान का आशीर्वाद स्वरूप भी है, क्योंकि कुछ लोगों को गलत फहमी होता है कि अगर बारिश हो गया तो पानी में आलू खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जो थोड़ा बूंदा बूंदी बारिश हुआ इससे तो आलू में नुकसान तो दूर के बाद इसमें बढ़िया फसल होगा। हाँ हाँ, है ना? क्योंकि अगर पूरा खेत डूब जाए, पूरा खेत पानी के नीचे चला जाए तो अब जाके किसान का खोती होगा, नुकसान की बात होती है। ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये साल तो कहा जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में ये किसान का साल है, पैसा मिलेगा किसान को धूमधाम से, क्या व्यापारी लोगों को क्या होगा? आपको क्या लगता है? बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं। किसान जो किसान लोग पैसा मिलेगा तो व्यापारी थोड़ा थोड़ा मिलेगा। हमारा मन से ही होता है। अच्छा। कि किसान को ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पर किसान का बहुत नुकसान हुआ। दोबार में आलू लगाते हैं खेत में, खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन पिछले साल से इस साल भालो हुआ। पैसा मिलेगा तो क्या पूरा आलू खेत से ही बेच देंगे या फिर कोल्ड पे भी रखेंगे? अरे थोड़ा मोड़ा तो रखने पड़ेगा। अच्छा, मतलब जैसे परसेंटेज के हिसाब से मान लीजिए 50% कोल्ड पे रखेंगे, 50% बेचेंगे, बेचेंगे, बेच देंगे। कोल्ड पे इसलिए रखेंगे ताकि अगर बाद में खेला होगा तो वो तो मालूम है जी, देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और आपने आप इस टोटल एरिया में आपकी जो पुरुषोत्तमपुर गाँव है उंदा पुलिस स्टेशन की, यहाँ पे धान का खेती ज्यादा होता है या आलू का? नहीं, आलू धान दोनों ही होता है, आलू और धान दोनों ही होता है। हाँ। इस साल एक पैकेट दादा ने बोला 500, कितना बोला? 25 रुपया। और उसके ऊपर एक पैकेट पे और कितना एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते हैं? वो लेबर पैकेट लेके 25 रुपया और पैकेट में खर्चा होता है 550 रुपया। और ये मेनली कहाँ जाके बिकेगा? ये झारखंड भी जाता है, उड़ीसा भी जाता है, लोकल भी खाता है, लोकल भी जाते हैं। अच्छा, आपका पर्सनली सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं या फिर और भी कुछ? ना, बिजनेस भी करते हैं, आलू का काम भी करते हैं। अच्छा, आलू का भी काम करते हैं थोड़ी बहुत। कहाँ कहाँ बेचते हैं मेनली आलू? हम लोग लोकल में ज्यादा बेचते हैं, लोकल में, ये पुरुलिया मान बाजार मेनली आलू बेचते हैं। झारखंड रांची जाता है, निरसा जाता है, वहीं पे भी जाता है। वहाँ पे फिलहाल यूपी का आलू आ रहा है वर्तमान? नहीं, अभी अभी यूपी का आलू फूड में लोडिंग कम है। अच्छा, हमें सुनने दे रहा है कि यूपी में किसान भाइयों को अच्छा पैसा मिल रहा है, आप भी सही कहेंगे कि आपको भी पैसा सही मिलेगा खेती बाड़ी करके? ज्योति आलू का क्या लगता है? अभी देखिए, वो तो ऊपर वाला का हाथ है, वो तो अभी कुछ
अभी तो कुछ पता नहीं लगेगा। तो ऑल ओवर इंडिया के जो किसान है, व्यापारी है, उनको क्या वार्ता देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? वार्ता क्या देंगे, किसान को थोड़ा मोड़ा रखना पड़ेगा, ज्यादा से बेचने के ठीक है, थोड़ा बेचते थोड़ा रखे। अच्छा, और आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? हम बोलेंगे जे ये साल किसान का साल है, किसान भाइयों कुछ आलू रखेगा, कुछ आलू बेचेगा तो मन खुश करे थकेगा, व्यापारी लोग को खुश है, सब लोग खुश है, सब खूब थकेगा तो हम लोग सब खुश थकेगा, बाजार तो खुश है। यानी पिछले 3 साल जो किसान लोगों ने घाटा किया है, ये साल लगता है उनको रिकवरी थोड़ा होगा। बोलिए, आप बोलेंगे कुछ? हाँ, दादा को दीजिए एक बार, बोलिए दादा। बोलिए, किसान भाई का हंसेगा तो व्यापारी भाई को पूरा हंसेगा, ठीक है? और व्यापारी हंसेगा तो पूरा भारत हंसेगा, ठीक है? एकदम। तो अपना फोन नंबर बता दीजिए तीनों। 9800-6278-42। ओके किसान भाई साहब, आप नाम और फोन नंबर? आनंद पाल। अच्छा, फोन नंबर? 97-75। ओके, बोलिए। 39-23-40। फिर से एक बार रिपीट कीजिए। 97-75। 39-23-40। अच्छा दादा, आप? 9732-027-026। मेरा नाम शांतिनाथ नंदी होता है। ओके, तो थैंक यू सभी को हमारे इंडिया पोटैटो की ओर से आपकी उंदा इलाके की आलू का तमाम जानकारी हमें बताने के लिए। थैंक यू इंडिया पोटैटो को, थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शक लोग, हम आप लोगों को आज दिखाया है उंदा इलाके का पुगड़ा आलू का खबर, देख पा रहे हैं बढ़िया क्वालिटी का पुगड़ा आलू यहाँ पे निकल रही है, लेकिन सिर्फ एक दो किसानों को ही इतना बढ़िया आलू मिल रही है। ये बारिश की पहले की गड़ाई किया हुआ आलू है। देखिए एक और एक अलग सी वैरायटी का आलू, यानी पुगड़ा आलू का ही एक नमूना देख लीजिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पे बताइए ज़रूर, और ऐसे ही वीडियो हर रोज़ हर वक्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल कर दीजिए और वीडियो को धूमधाम से शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना। चलिए एक साथ बोलिए, जय हिंद जय किसान। एक साथ बोलिए, जय हिंद जय किसान, जय किसान, जय किसान।